नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया और आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। करते हैं आलू के भाव की बात। आज वेस्ट बंगाल की मंडियां जो है गिरी हैं और बाकी जगह की मंडियों पे कोई फर्क नहीं दिखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद की। तो फर्रुखाबाद में ख्याति पुखराज बिके हैं 1150 से लेके 1200 रुपया पैकेट, और बढ़िया बाल जो है 10-20 रुपये ऊपर तक गए हैं। और 3797 बिका है आपका 1200 से लेके 1300 रुपया पैकेट। चिप सोना 1250 से 1350 रुपया पैकेट, और हाईलैंड 1350 से 1400 1450 रुपये पैकेट बिका है। और पैकेट इसमें कोल्ड भाड़ा जो है इंक्लूड है, पैकेट का वजन जो है 53 किलो। बात करते हैं कन्नौज की। तो कन्नौज की मंडी सेम ही रही है, चिप सोना बिका है आपका 1200 से लेके 1250 रुपया पैकेट, और हाईलैंड और सिंधूरी आपका बिका है 1350 से लेके 1400 रुपया पैकेट। अब बात करते हैं कानपुर की। तो कानपुर में आमदनी रही है आपकी 45 से 50 गाड़ी, और भाव सेम ही रहे हैं। पुखराज आपका 900 से 1000 रुपया मन, और 3797 बिका है 1000 से 1050 रुपया मन। चिप सोना 1025 से लेके 1050 रुपया मन, और सिंदूरी और हाईलैंड आपके बिके हैं 1150 से लेके 1100 से लेके 1150 रुपया मन। और प्याज आपका बिका है वहाँ पे 650 से लेके 750 रुपया मन, और यहाँ आलू मन से बिकता है, मन जो है 40 किलो का होता है। बात करते हैं लखनऊ की। तो लखनऊ में चिप सोना आपका सादा बिका है 2600 से 2700 रुपया, और जो शुगर फ्री है वो बिका है 2750 रुपया कुंतल। बात करते हैं इलाहाबाद की। तो इलाहाबाद G4 आपका बिका है 3100 से लेके 3200 रुपया कुंतल, और लाल आपका बिका है 2700 से लेके 2800 रुपया कुंतल, गोला बिका है 2400 से लेके 2500 रुपया कुंतल। बात करते हैं बनारस की। तो बनारस में आमदनी रही है 10 से 11 गाड़ी, और जो भाव रहे हैं हाइब्रिड आलू के 2400 से 2500 रुपया कुंतल, 3797 2500 से लेके 2650 रुपया कुंतल, और हाईलैंड बिका है आपका 2900 से लेके 3000 रुपया कुंतल। बात करते हैं बाराबंकी की। तो बाराबंकी में राजेंद्र वन जिसको सिंदूरी भी बोलते हैं वो बिका है आपका 2600 से लेके 2650 रुपया कुंतल। और अब बात करते हैं आगरा की। तो आगरा की भी मंडी लगभग सेम ही रही है, सेल अच्छी बताई गई है। तो यहाँ पे 3797 बिका है आपका 1200 से लेके 1440 रुपया पैकेट आमतौर पे, और जो एक्स्ट्रा सुपर आलू है वो बिके हैं आपके 1400 से लेके 1500 रुपया पैकेट। गुल्ला बिका है आपका 1000 से लेके 1150 रुपया पैकेट, और गुल्ली बिकी है 950 से लेके 1050 रुपया पैकेट। और यही भाव आपके रहे हैं लगभग टुंडला, हाथरस, सिरसागंज, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और इटावा, लगभग यही भाव रहते हैं मावी। और बात करते हैं बदायूं की। तो बदायूं में चिप सोना भी कहा है 1280 रुपये से लेके 1320 रुपया पैकेट। और अब बात करते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की। तो दिल्ली आजादपुर मंडी में 3797 और चिप सोना भी कहा है आपका, यहाँ पे मंडी बड़ी है थोड़ी सी, 3797 चिप सोना बिके हैं 1400 से लेके 1500 रुपया पैकेट, और सूर्या बिका है आपका 1550 से लेके 1600 रुपया पैकेट, और गुल्ला बिका है 1050 से लेके 1100 रुपया पैकेट। और बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब की मंडी बही है, ज्योति आलू आपका 1000 से लेके 1100 रुपया पैकेट, LR 1100 से 1150 रुपया पैकेट, और डायमंड जो है 1100 से 1150 से लेके 1200 रुपया पैकेट, और शुगर फ्री का रेट जो है सभी जगह लगभग 50-60 रुपये एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि शुगर फ्री कोल्ड का भाड़ा ही थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वही एवरेज से जो है 50-60 रुपये शुगर फ्री का हर जगह जो रेट, कोई भी आलू होगा अगर शुगर फ्री होगा तो 50-60 रुपये उसका रेट जो है एक्स्ट्रा होगा। बात करते हैं जयपुर राजस्थान की। तो जयपुर राजस्थान की मंडी वही है 2000 से लेके 2600 रुपया, गुल्ला बिका है 2000 से लेके 2200 रुपया कुंतल, और गुल्ला बिका है 2000 से लेके 2200 रुपया कुंतल, हाइब्रिड बिका है आपका 2200 से लेके 2400 रुपया कुंतल, और 3797 में बढ़िया आलू बिके हैं 2400 से लेके 2600 रुपया कुंतल।
आज संबल का भी भाव मिला है, तो संबल में बिका है पुखराज आलू आपका बिका है 2300 से लेके 2400 रुपया कुंतल, और 3797 2400 से लेके 2500 रुपया कुंतल। चिप्सोना बिका है 2500 से लेके 2600 रुपया कुंतल, और सूर्या बिका है 2600 से लेके 2700 रुपया कुंतल। इसके बाद और इसके बाद करते हैं इंदौर की, एमपी इंदौर की बात, तो एलआर बिका है आपका 1800 से लेके 2000 रुपया कुंतल, ज्योति 2200 से लेके 2350 रुपया कुंतल, लाकर 2300 से लेके 2500 रुपया कुंतल, और प्याज बिका है यहाँ पे 800 से लेके 1300 रुपया कुंतल। इसके बाद बात करते हैं आज अहमदाबाद की, तो गुजरात अहमदाबाद से भी भाव मिला है, तो यहाँ पे आमदनी बताई गई है 35 से 37 गाड़ी, और भाव जो रहा है वो पुखराज आलू का 450 रुपये से लेके 490 रुपया मन 20 किलो, और बादशाह बिका है 500 रुपये से लेके 560 रुपया मन 20 किलो। तो यहाँ पे रेट जो है, यहाँ पे मन 20 किलो का होता है, और रेट जो मैंने बताए हैं वो 20 किलो के हिसाब से हैं। और इसके बाद बात करते हैं हम मुंबई की, तो मुंबई में आमदनी रही है 40 से 45 गाड़ी, और भाव जो रहा है वो 2400 से लेके 3000 रुपये कुंतल। निवल आलू बिके हैं 2400 से लेके 2600 रुपया कुंतल, और मीडियम बिका है 2600 से लेके 2800 रुपया कुंतल, और बहुत बढ़िया आलू 3797 सूखे हुए जो वो बिके हैं आपके 2800 से लेके 3000 रुपये कुंतल। और अब बात करते हैं बिहार समस्तीपुर की, तो बिहार समस्तीपुर में C40 बिका है आपका 2800 से लेके 2900 रुपया कुंतल, गुलाब बाग में ज्योति बिका है आपका 2600 से लेके 2650 रुपया कुंतल, और हाईलैंड बिका है 2800 से लेके 2850 रुपया कुंतल, एलआर बिका है आपका 2700 से लेके 2800 रुपया कुंतल। उत्तराखंड से भाव मिला है, रुद्रपुर की बात करते हैं, तो रुद्रपुर में 3797 बिका है आपका 2400 से लेके 2500 रुपया कुंतल, और चिप्सोना बिका है 2600 से लेके 2650 रुपया कुंतल, गुल्ला बिका है 2200 से लेके 2250 रुपया कुंतल, और प्याज बिका है यहाँ पे 1600 से लेके 1650 रुपया कुंतल। बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल का मैंने पहले ही बताया कि भाव गिरा है, यहाँ की मंडियां लगभग 30 रुपये नीचे हुई हैं, और सिंगूर में जो आलू बिका है ज्योति आलू वो 1320 रुपये से लेके 1330 रुपये पैकेट, और वर्धमान में 1300 से लेके 1320 रुपया पैकेट, और मोची में बिका है आपका 1260 रुपये से लेके 1330 रुपया पैकेट, और खिरपई पश्चिम मेदिनीपुर में 1180 रुपये से लेके 1190 रुपया पैकेट, और सीके रोड पश्चिम मेदिनीपुर यहाँ पे बिका है 2410 रुपये से लेके 2420 रुपया कुंतल, और बंकुरा में 2370 रुपये से लेके 2390 रुपया कुंतल। ये पश्चिम मेदिनीपुर, सिक्की रोड पश्चिम मेदिनीपुर और बंकुरा यहाँ के भाव कुंतल में है, और बाकी सब जगह के पैकेट में है। तो और आज भुवनेश्वर उड़ीसा में भी बात हुई, तो वहाँ बताया गया कि मंडी आज सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक जो है बंद है, तो आज का कोई भाव नहीं मिला वहाँ पे। और कल का जो भाव है वहाँ पे, कल आमदनी थी 17 गाड़ी की और बैलेंस थी 11 गाड़ी, और ज्योति आलू का जो भाव बताया गया वो कल का है, ये 2500 से 2550 से लेके 2600 रुपया कुंतल तक का बिका है। तो ये थे जो भाव हमें अभी तक मिले थे, और बाकी जिन जगहों के भाव हमको नहीं मिले हैं, अगर आप लोगों को पता है तो अपनी मंडियों का भाव कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।